परीक्षाएं और भारत सरकार की लगभग चार परीक्षाओं में ये अपियर हुआ है, तो लगभग 20 के लगभग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ही हिमसेल्फ हैज अपियर्ड। बट उसी के साथ साथ इसने कई परीक्षाओं में ये दूसरे कैंडिडेट्स का डमी भी बैठा है, जिसमें एक मनीष मीना सब इंस्पेक्टर भी है जो 2018 बैच से है और वर्तमान में स्टेट आईबी में पोस्टेड हैं। इसके अलावा मनीष मीना का सगा भाई दिनेश मीना जो अभी वर्तमान में एलडीसी के पद पर तैनात हैं। मनीष और दिनेश का एक तीसरा भाई है दीपक, जो जिसके लिए 2021 में सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में डमी के रूप में बैठा था, परंतु फिजिकल वो पास नहीं हो पाया। रिटर्न तो क्लियर हो गया, फिजिकल पास नहीं हो पाया। इनका एक मामा है महेश मीना, जिसके भी लिए ये एलडीसी के रूप में अपर हुआ और जो अभी दौसा में कार्यरत है। एक और व्यक्ति है जिसका नाम सागर मीना है, जिसके लिए 2021 में पटवारी की परीक्षा में बैठा है और ये अपने सगे भाई के लिए भी पटवारी की परीक्षा में बैठ के, इसका भाई आज पटवारी है। तो अभी तक की जानकारी के अनुसार लगभग 6 ऐसे व्यक्ति हैं जिनके लिए ये डमी में बैठा है, जिनमें से 5 अभी सरकारी नौकरी में होने की सूचना हमें मिली है। ये भी बात सामने आई है कि मनीष मीना जो सब इंस्पेक्टर हैं, इसकी 2021 की रिटर्न परीक्षा में, सॉरी 2018 की परीक्षा में न केवल रिटर्न में बैठा है परंतु इंटरव्यू में भी ये उसकी जगह डमी के रूप में उपस्थित होकर इंटरव्यू देकर आया है। रोशनलाल मीना को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे कुछ अहम साक्ष्य हमें इस संबंध में मिले हैं, बाकी सभी अपराधियों की अभी तलाश जारी। तो रोशनलाल कहाँ अवस्था में था कि सीनियर का टीचर है और कैसे उनकी मुलाकात हुई, कितने लोग? रोशनलाल मीना ये एक थर्ड ग्रेड टीचर है और महात्मा गांधी स्कूल प्यारीवास दौसा में ये पदस्थापित है। इसके पहले ये गोला कबास अलवर में पदस्थापित था और रोशनलाल मीना की तैयारी के वक्त ही, जब ये विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करते हुए अलवर में रह रहा था, तभी इसकी पहचान मनीष मीना से हुई। पहले मनीष मीना ने अपने भाई के बिहाव पर एग्जाम दिलवाया, जिससे उसका भाई एलडीसी बन गया और दिनेश मीना के लिए उसने 3 परीक्षाएं दी है, एलडीसी की, स्टेनोग्राफर की और जो उद्योग विस्तार अधिकारी होता है उसकी, जिसमें से अभी वो एलडीसी के पद पर तैनात है। फोटो इन्होंने इस प्रकार से मॉर्फ किया है कि ये फोटो आधा इसका है और आधा उसका है। द फोटो इज नॉट कम्प्लीटली हिज, तो एक बेनिफिट ऑफ डाउट हो जाता है कि साहब कोई कहता है पुराना फोटो है या ये फोटो है, तो द फोटो इज मॉर्फ्ड। उस फोटो को सुपर इम्पोज किया गया है, रोशन और मनीष की फोटो का मर्जिंग किया गया है, उसको सुपर इम्पोज किया गया है। इसमें जो अब तक की पूछताछ में आया, लगभग 4.5 से 5 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन अब तक हो चुका है और ये भी बात सामने आई है कि मनीष मीना के आने के पश्चात भी इसमें हो सकता है कि और भी ऐसी जानकारी मिले। अभी तक जो पैसा एक्चुअल में ट्रांसफर हुआ है, नहीं, अभी रोशन मीना ही अरेस्टेड है। मनीष मीना ये सब इंस्पेक्टर हैं जो 2016 की परीक्षा के रिव्यू जो परीक्षा हुई थी 2018 में, उसके बाद 2021 में ये सेवा में आए थे और अभी कंफर्मेशन होके नाचना बीआई में जो बॉर्डर इंटेलिजेंस की चौकी है उसमें ये पदस्थापित थे, जो कल से फरार। सर, बाकी 4-5 लोग जो हैं अभी कहां-कहां पोस्टेड हैं? दिनेश मीना ये टोंक में लैंड सेटलमेंट कार्यालय में पदस्थापित है। दीपक का फिजिकल नहीं हो पाया है इसलिए वो भी नहीं है पदस्थापित। महेश मीना ये सेल्स टैक्स में दौसा में पदस्थापित है। सागर मीना पटवारी के रूप में पदस्थापित है, उसका पदस्थापन स्थान हम अभी पता कर रहे हैं। उसके गांव से दौसा, बाकी से भी फरार है, बाकी आरोपी फरार। ये बेसिकली मनीष के थ्रू ही ये काम करता था, ये बात सामने आई है। मनीष जो भी हमारी जानकारी में आया, एक अच्छी लाइफस्टाइल
ये मेंटेन करता है, इसके पास दो फोर व्हीलर गाड़ियां हैं, इसका जयपुर में एक मकान अंडर कंस्ट्रक्शन है, गांव में इसने हाल ही में अभी मकान बनाया है। तो वी एक्सपेक्ट कि जो इसका मेन परपेट्रेटर है, एक ये रोशन है और इसका पार्टनर मनीष है। तो कई ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिसके फॉर्म मनीष ने भरे हैं और उसकी जगह ये रोशन अपीयर हुआ। अभी तक इसका डमी कैंडिडेट के रूप में बैठता ही सामने आ रहा है। हाँ था नहीं, वो आपने वेरीफाई किया तो अभी तक तो इसने खुद की परीक्षा तो खुद ही दी है। पढ़कर लिखने वाला है तभी दूसरे की डमी दे रहा है। कब से एग्जाम ये लगभग 2013 से लगातार कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहा है। इसने चार वर्ष रेलवे में हेल्पर के पद पर भी काम किया है और 2017 से ये टीचर के से थर्ड ग्रेड टीचर के रूप में नौकरी में। 20 एग्जाम ही दे चुका है, तो 20 में भी सिलेक्शन एक में ही हुआ या नहीं उसका नेट सेट सब क्लियर है? हाँ नेट सेट सब क्लियर है। और इसका पहले जैसे मैंने बताया कि रेलवे में एक बार सिलेक्शन हो चुका है, थर्ड ग्रेड टीचर में इसका सिलेक्शन हो चुका है और बाकी इसने दूसरों के सिलेक्शन करवाए हैं। इतनी जानकारी थी आप पूछो तो सही है, उसको रिकॉर्ड करने क्या जरूरी। तो एसआई भर्ती पेपर लीक केस में ये बड़ा खुलासा हुआ है, रोशन लाल जो कि नाम सामने आया है और यहां पर इसने कई परीक्षाएं दी है और इसको अरेस्ट कर लिया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, एसआई भर्ती पेपर लीक केस में ये बड़ा खुलासा है। राज्य की 16 परीक्षा केंद्र की 4 बड़ी परीक्षाएं रोशन ने दी है और अब देखिए और भी कार्रवाई तेज होती हुई इस पूरे मामले में।